सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, कक्षा 12 में दोस्तों किसी जंतु विज्ञान के दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यह दोस्तों एग्रीकल्चर क्लास 12th की बात कर रहे हैं। यदि दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है आप सभी को तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं आप सभी को मैं बता दूँ दोस्तों कि आपके लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कोर्स लेकर आए हैं। यदि दोस्तों आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही बढ़िया है। यह दोस्तों जो कोर्स है वह दोस्तों मात्र 15 रुपये का है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 रुपये का कोर्स है, जिसमें दोस्तों आपको मैं एप्लीकेशन दूंगा, जहां से दोस्तों आप लोग इंस्टॉल करके दोस्तों आप 15 रुपये ओनली वन दोस्तों 15 रुपये कटा कर आप खूब अच्छे से दोस्तों टॉपर की तरह दोस्तों आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों इस बार भी मैं कहूँगा, कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है तो कुछ बड़ा करके देखो, कुछ बड़ा करो, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी बात आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों केचुए के बारे में। दोस्तों मैं आपसी को बता दूँ, जो हमारा सिलेबस है उसमें दोस्तों केचुए के बारे में है। केचुए में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें दोस्तों आपके एक नंबर के क्वेश्चन कम से कम दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ निश्चित उत्तरीय प्रश्न में, यानी एक नंबर के दोस्तों जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको दोस्तों खूब अच्छे से पढ़ना है, मैं यही कहूँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ना है मैं दोस्तों सोचते अंत तक बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं केचुए के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुली रहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि केचुए के प्लाज्मा में क्या घुली रहती है, तो दोस्तों क्या घुली रहती है, हीमोग्लोबिन घुली रहती है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है केचुए में टिप्फोसोल का कार्य भोजन के अवशोषण तल को बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, जो भोजन होता है उसके अवशोषण तल जो दोस्तों 14, 15 और 16वें खंड में हमारा क्लाइटेलम पाया जाता है, अब उसी में दोस्तों हमारा टिप्फोसोल होता है जो दोस्तों अवशोषण तल को बढ़ाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ पसंद आ रहा होगा आपको, आप समझ रहे होंगे। इसके बाद हमारा अगला आ रहा है केचुए में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य कोकून निर्माण करना है। अब एक बार और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केचुए में जो क्लाइटेलम होता है वह किस किन खंडों में पाया जाता है, तो 14, 15 और 16वें खंडों में पाया जाता है। दोस्तों यह लगातार कम से कम दोस्तों 4 से 5 साल में दोस्तों लगातार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस बार भी पूछा जाएगा 2023 में या तो 2024 में। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केचुए में जो क्लाइटेलम होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो दोस्तों उसका मुख्य कार्य कोकून निर्माण करना होता है। इस प्रकार से अब हमारा अगला आता है केचुए में मादा जनन क्षेत्र 14वें खंडों में पाए जाते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि केचुए में जो मादा जनन क्षेत्र होता है वह दोस्तों किन खंडों में स्थित रहता है, ठीक है। तो दोस्तों वह किन खंडों में पाया जाता है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे 12, 13, 14 और 15। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होता है, हमारा 15 हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा तो भी आपको समझ आएगा। अगर जब आप भगा का वीडियो देख रहे हैं तो क्या समझ आएगा, वही प्रॉब्लम होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं केचुए के 10 तथा 11वें खंड में विष्ण होते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो केचुए के 10वें तथा 11वें खंड होते हैं उनमें विष्ण पाए जाते हैं, विष्ण होते हैं, ठीक है। ये जो नर जनन अंग होते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है केचुए में क्लोरोगोजन कोशिकाओं का कार्य जनन करना होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगला हमारा आता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, केचुए का हृदय 7वें, 9वें व 12वें, 13वें खंडों में होता है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर जो दोस्तों आपके प्रैक्टिकल में एग्जाम में जो एग्जामिनर आते हैं प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं कि जो केचुए के हृदय होता है वह किन किन खंडों में पाया जाता है, तो दोस्तों ऑब्वियसली दोस्तों 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंडों में पाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा।
अब दोस्तों एक और बेहतरीन सवाल पूछा गया है दोस्तों, निश्चित उत्तरी प्रश्न और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। केचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, जो केचुए में जो श्वसन होता है वह त्वचा द्वारा होता है, किसके द्वारा? त्वचा द्वारा होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद हमारा अगला आता है, केचुए जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। वो दोस्तों मांस भी खाते हैं और शाकाहारी यानी कि जो मतलब भूमि होते हैं, मिट्टियों को खाते हैं, ठीक है इस प्रकार से। अब केचुए को दोस्तों क्या करते हैं, हम एक बात बता दूँ आपको, केचुए को किसानों का मित्र कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, किसानों का मित्र केचुए को कहते हैं। और प्रकृति का हलवाहा या हलवाई हाँ तो केचुए को ही बोलते हैं सॉरी। इस प्रकार से हम अगले चलते हैं। अगला हमारा जो है वो हमारा है, केचुए में जो प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती है वह दोस्तों 16 से 21 खंडों में पाई जाती है। किसमें? 16 से 21 खंडों में पाई जाती है, जो शुक्राणुओं को गमन में सहायता प्रदान करती है। जो दोस्तों केचुए में प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होती है वो 16वें से 21वें खंड में पाई जाती है, जो शुक्राणुओं को गमन करने में सहायता दें। गमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलने में सहायता प्रदान करती है। समझ आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला आता है, जो केचुए होते हैं वह दोस्तों द्विलिंगी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो होते हैं वह दोस्तों मतलब पाए जाते हैं, यानी एक ही मतलब केचुए में दोस्तों नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ ही रहेंगे, ठीक है इस प्रकार से। अगला हमारा आ रहा है, इसमें फिर भी इनमें पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है, यानी कि स्वयं निषेचन पाया जाता है कि मतलब है अलग अलग, जैसे मतलब एक केचुए हैं, ठीक है, एक केचुआ है और एक और केचुआ है, उसके द्वारा पर निषेचन का मतलब दोस्तों दूर दूर मतलब दूसरे दूसरे केचुए हैं उनके द्वारा दोस्तों निषेचन होगा, ठीक है इस प्रकार से। क्योंकि शरीर में पहले नर जननांग का परिपक्व होता है इस प्रकार से। अगला आता हमारा, केचुए के शरीर का भूरा रंग रंगा पदार्थ पोरफायरिन के कारण होता है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है दोस्तों। जो केचुए का शरीर जो भूरा रंग होता है वह किसके कारण होता है? वह रंगा पदार्थ पोरफायरिन के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगातार दोस्तों कम से कम 4 से 5 साल तक पूछा जा रहा है, जो केचुए का शरीर होता है वह किन किन मतलब कितने खंडों में विभाजित होता है? तो दोस्तों वह 100 से 120 खंडों में विभाजित होता है, ठीक है इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अगला आ रहा है हमारा, अब इसके बाद देख लेते हैं हम काकरोच के बारे में। किसके बारे में? काकरोच के बारे में दोस्तों देखेंगे। दोस्तों आपके सिलेबस में काकरोच के बारे में भी पढ़ना है, तो काकरोच में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों ये जो है दोस्तों केवल ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा बस। इसमें देख लेते हैं, जो नर काकरोच होते हैं, जो नर काकरोच का उदर प्रायः 8 खंडों में बटा होता है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि नर काकरोच का उदर कितने खंडों में बटा होता है? तो दोस्तों 8 खंडों में बटा होता है। इसके बाद जबकि मादा में केवल 7 खंड ही होते हैं दोस्तों, एग्जामिनर में मतलब जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं उनमें भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केचुए का जो उदर होता है वह कितने खंडों में विभाजित होता है? वह दोस्तों जो नर होता है उनका 8 खंडों में और जबकि मादा का 7 खंडों में। समझ आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला आ रहा है, केचुए के मलाशय की भीतरी भित्ति में 6 लंबे वलन होते हैं, इनको रेक्टल कहते हैं। दोस्तों जो रेक्टल होते हैं वह 6 पाए जाते हैं, लंबे पाए जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन होता है यानी जो बोर्ड पेपर होता है उन्हें पूछा जा सकता है कि काकरोच के मलाशय की भित्ति में कितने रेक्टल होते हैं? तो दोस्तों 6 रेक्टल होते हैं, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है, काकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, जो काकरोच का रक्त होता है उनमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, ठीक है। और जो केचुए होते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वह प्लाज्मा में घुले हुए होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा अगला आ रहा है हमारा, काकरोच में रक्त परिसंचरण तंत्र का आधार हृदय में लगातार होने वाला स्पंदन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है, मादा काकरोच में एक जोड़ी अंडाशय तीसरे से
सातवें खंड तक फैली होती हैं। दोस्तों इस प्रकार से आपको घुमा कर पूछा मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केचुए में जो सॉरी काकरोच में जो मतलब है सॉरी अंडाशय होते हैं वो दोस्तों मतलब किन खंडों में मतलब फैले होते हैं, किन किन खंडों में फैले होते हैं, तो दोस्तों तीसरे से सातवें खंड तक। अब कितने अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं एग्जाम मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आता है सातवें व आठवें खंड में योनि बनी रहती है, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, सातवें व आठवें खंड में योनि बनी रहती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आता है हमारा मादा एक समय में 16 अंडे देती है और एक अंडा एक स्पर्म को ग्रहण करता है, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है केचुए के सॉरी केचुआ बोल रहा हूँ दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, थोड़ा निकल जा रहा है ठीक है। जो काकरोच होते हैं दोस्तों उनमें जो अंडे होते हैं वह दोस्तों अंडे से बच्चा यानी शिशु बनने में लगभग 70 दिन लगते हैं, यानी जो काकरोच होते हैं काकरोच के अंडे से जो बच्चा होते हैं दोस्तों वह 70 दिन में पैदा होते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है बहुत ही बेहतरीन है हमारा, काकरोच रात्रिचर तथा सर्वहारी प्राणी है, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है, जो काकरोच है वह दोस्तों रात्रिचर तथा सर्वहारी प्राणी है, दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिएगा आप लोग ठीक है। काकरोच जो होते हैं रात्रिचर होते हैं और सर्वहारी प्राणी होते हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, मैं आपको दोस्तों खूब अच्छे अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियो पर। दोस्तों अगर जो आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, दोस्तों जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अगर जो इसका पार्ट टू चाहिए तो दोस्तों बताइएगा, केचुए और दोस्तों काकरोच के बारे में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन बता देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो आ रहा है वह दोस्तों हमारा खरगोश के ऊपर आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों खरगोश के ऊपर बताऊँगा वीडियो। तो दोस्तों जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।